एक ग्लास चावल गंजी जैसा पका लेते हैं और हमें उसमें ये जो चम्मच बता रही हूँ उसी चम्मच के बड़े चम्मच के माप में 4 चम्मच गेहूँ का आटा मिक्स करते हैं, इसमें डाल के उतार लेते हैं। गरम गरम चावल के साथ आटे को अच्छे से मिक्स करते, देखो आटा नीचे गिर रहा है, तो देखा आपने मैंने 4 चम्मच डाला है और उसे गरम गरम चावल के साथ मिक्स करना है। आपको चाहिए तो 5 मिनट गैस में आटा डाल के भी रख सकते हैं ऐसे धीमी आंच पे। तो ये सब पकने के बाद हमें ऐसे करना है। और एक प्लेट लेते हैं, एक बाउल में पानी लेते हैं और दूसरा भी एक प्लेट लेते हैं, 2 प्लेट ले लेते हैं। अभी चम्मच यूज़ करेंगे। अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, चम्मच से थोड़ा सा जो गेहूँ वाला चावल है उसे लेके प्लेट में डालेंगे, क्योंकि बहुत गर्म है, आपको दिख रहा है गर्म है करके। थोड़ा सा हाथ को पानी में डुबा के फिर हम ऐसे बॉल जैसे बनाएंगे। देखो अभी कली बन के रेडी हो गया है, इसको ऐसे ही हम कली बनाते हैं। वेरी सिंपल, इजी है, कठिन नहीं है। चावल पकने के बाद जितना अपनी ज़रूरत है उतना चावल और उतना आटा डालना है, मतलब 4 चम्मच आटा। ऐसे ये मैंने 4 ही चम्मच यूज़ किया बड़ा चम्मच में। देखा अभी कली बन के रेडी हो गया। आप इसको पालक के साथ खा सकते हैं और मटन चिकन फिश करी के साथ तो बोलो ही मत, उतना टेस्टी रहता है। चिकन मटन के साथ भी बहुत टेस्टी रहता है ये कली, आप एक बार कोशिश करके देखिएगा। कली, इसका नाम है कली, टेस्टी फिश करी एंड कली।